आज हम पाठ एक के जागो प्यारे इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न एक, सूरज कब निकलता है? सूरज सुबह के समय निकलता है। माँ क्या लेकर आई है? माँ पानी लेकर आई है। चिड़िया कहाँ चहक रही है? चिड़िया पेड़ों पर चहक रही है। सुबह के समय आकाश का रंग कैसा होता है? सुबह के समय आकाश का रंग लाल होता है। माँ किसको उठा रही है? माँ अपने बेटे को उठा रही है। जल में सूरज की किरणें कैसी लगती हैं? जल में सूरज की किरणें सुनहरी लगती हैं। भौरे कहाँ झूलते हैं? भौरे फूलों पर झूलते हैं। सुबह की हवा कैसी होती है? सुबह की हवा सुंदर होती है। सुबह का दृश्य कैसा होता है? सुबह का दृश्य अति मनमोहक होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाओ। फूलों पर कौन झूल रहा है? कौन झूल रहा है? भौरे। नभ की लाली कैसी होती है? न्यारी। जल में सूरज की छाया कैसी दिख रही है? सुनहरी। माँ अपने बेटे को कब जगा रही है? सुबह। पंक्ति पूरी करो। अगला प्रश्न, भोर हुई, सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे, अब मत सो। भाषा कौशल, समान ध्वनि वाले शब्द कविता से देख कर लिखो। इसमें जो समान ध्वनि वाले शब्द हैं वो हमें कविता में से देखकर लिखना है। तो पहला कौन सा है? फूले तो झूले, आया छाया, छाई पाई, खो सो। समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। ये समान ध्वनि वाले थे और ये समान अर्थ वाले हैं। लाल बेटा, हवा पवन, हवा को पवन भी कहते हैं। जल पानी, सूरज रवि, नभ आकाश। प्रश्न तीन, दिए गए शब्दों में से सही शब्द पर सही का निशान लगाओ। तो ये शब्द दिए हैं, इनमें जो सही है उस शब्द पर निशान लगाना है। तो ये वाला रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, उठे है ये उठो है, ये सही है, इस पर राइट का निशान लगा देंगे, उठो है ये। वीती बीती, तो बीती ऐसे लिखते हैं तो इस पर राइट का निशान लगा देंगे। सुनहरी, ये सही है सुनहरी, बाकी सारे रॉन्ग है। ये क्या है? ये चिड़िया रॉन्ग है, ये चिड़िया रॉन्ग है, ये भी चिड़िया रॉन्ग है, ये वाला सही है। भौरे, ये वाला रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये वाला सही है, तो निशान लगा देंगे। प्रश्न चार, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। इसमें हमें विपरीत लिखने हैं। तो पहला क्या है? सुबह का क्या बना? शाम। धरती सॉरी आकाश, धरती। सोना जागना, रात दिन। ऐसे करना है बेटा, बच्चों ऐसे कर लेना। ओके।